अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 3। बिफोर वी डिस्कस दिस वर्कशीट आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 लाइफ इन डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट रीजन्स। टू कॉन्सेप्ट्स आर डिस्कस्ड ओवर हियर, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। डेजर्ट्स फॉर्म इन द प्लेसेस वेयर देयर इज़ वेरी लिटल रेन, मीन्स जहाँ पे बारिश नहीं होती, बहुत गर्मी होती है, गर्म वेदर होता है, वहाँ पे डेजर्ट्स बनते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स कैन बी देयर। पोलर डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कॉन्टीनेंटल डेजर्ट्स, कोस्टल डेजर्ट्स। एज़ यू नो के डेजर्ट्स के अंदर क्लाइमेट कैसा होता है, इट इज़ वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल ना होने के बराबर होती है, समटाइम्स होती है, वो भी बहुत कम होती है। डेजर्ट्स में डे टाइम तो बहुत हॉट होता है, लेकिन रात के टाइम थोड़ा सा क्लाइमेट जो है कोल्ड हो जाता है, लेकिन यूजली ड्राई, डस्टी और हॉट होता है। इसकी लैंड इज़ हमारी जो लैंड है उसका 1/5 जो है वो डेजर्ट्स हैं। सम डेजर्ट्स आर रॉकी, सम डेजर्ट्स आर डस्टी, एंड समटाइम्स इन द मिडल ऑफ डेजर्ट देयर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर कॉल्ड ओसिस। सहरा के दरमियान में पानी का एक सोर्स होता है, उसे हम कहते हैं ओसिस। आते हैं वेजिटेशन की तरफ के डेजर्ट्स में वेजिटेशन कैसी होती है। प्लांट्स जो होते हैं उनके बहुत कम लीव्स होते हैं, थिक फ्लैशी स्टेम्स होते हैं। प्लांट्स स्पाइनी होते हैं, मीन्स उन पर कांटे होते हैं। जो एनिमल्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं वो लिज़र्ड्स हैं, स्नैक्स हैं, स्कॉर्पियोज़ हैं, फॉक्सेस हैं, एंड बर्ड्स भी रहते हैं। कैमल तो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है डेजर्ट का, उसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो सहरा में यूजली कैमल ही यूज़ होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। और जो कंट्री कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो डेजर्ट्स पे ही बेस करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, वो एक डेजर्ट कंट्री है और दैट लाइज ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन द डेजर्ट और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। और उसकी आप डेवलपमेंट देख लें, स्टिल इट इज़ वर्किंग ऑन इट, एंड अब बहुत सी फैसिलिटीज़ सब कुछ वहाँ पे अरेंज हो चुका है। दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर डेजर्ट्स इनटू प्रॉपर सिस्टम। फॉरेस्ट्स एज यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर दैट फॉरेस्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और फॉरेस्ट की वजह से हम बहुत से प्रॉब्लम से बचे रहते हैं और पोल्यूशन से बचते हैं और इन सब चीज़ों से। सो फॉरेस्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। अब इन दोनों के फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं और इन्हें वेट लैंड्स भी कहा जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जो है ट्रीज़ बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, और कॉनिफर ट्रीज़ आर ओवर देयर, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं। इन दोनों में आपने अंडरलाइन करने हैं कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन कैसी होती है, एनिमल्स कौन से होते हैं, ये सब आपने रीड करके अंडरलाइन करना है। इसमें अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं, और जिस तरह इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, इसके अंदर भी एनिमल्स और बर्ड्स दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। आते हैं वर्कशीट की तरफ। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने रीडिंग करनी है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डेजर्ट्स, क्लाइमेट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, आपने इनको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द वर्ड्स बिलो पुट इन टू राइट कॉलम। 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, आपने इन वर्ड्स में से चूज़ करके जो क्लाइमेट के अंडर आते हैं वो क्लाइमेट में लिखने हैं, जो लैंड के अंडर आते हैं वो लैंड में लिखने हैं, वेजिटेशन के पॉइंट्स वेजिटेशन में, और एनिमल्स वाला कॉलम आपने एनिमल्स से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्कल द थिंग्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विद ग्रीन कलर एंड टेम्परेट फॉरेस्ट विद ब्लू। आपने 2 आपको कॉलम्स में चीज़ें दी हुई हैं जो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में होती हैं, उनके आगे आपने ग्रीन कलर से सर्कल बनाना है, और जो टेम्परेट फॉरेस्ट में होती हैं उनके आगे ब्लू में सर्कल बनाना है आपने। क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग डेजर्ट्स फाउंड इन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कॉन्टीनेंटल डेजर्ट्स एंड कोस्टल डेजर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग आंसर्स, राइट द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स विद प्लेसेस फाउंड इन आर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ सऊदी अरेबिया बिकम अ रिच कंट्री, सऊदी अरेबिया कैसे रिच कंट्री बना आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस हु हैज़ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, प्लेसेस के नाम लिखने हैं आपने। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट।
जो इक्विटोरियल फॉरेस्ट में एनिमल्स पाए जाते हैं उनके नेम्स लिखने हैं और जो टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनके नेम लिखने हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 3. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.